नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, साल 2007 को छोड़ दें तो 1989 से आगरा की बहा विधानसभा सीट पर राजा महेंद्र अर्दमन सिंह भदौरिया का ही कब्जा रहा है। सन 2012 में बहा से छठी बार विधायक बने राजा अर्दमन सिंह भदौरिया समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल से भी विधायक रह चुके हैं। आगरा जिले में जन्म हुआ राजा अर्दमन सिंह प्रदेश के बाहुबली नेताओं में गिने जाते रहे हैं। हालांकि भदावर राज्य का राजा होने के नाते उनके प्रति जनता में एक अलग ही सम्मान है। बहा इलाके के लोग आज भी उन्हें महाराज साहब, महाराजा भदावर और राजा कहकर संबोधित करते हैं। राजा महेंद्र अर्दमन सिंह भदौरिया का जन्म 7 जुलाई 1953 को जिला आगरा में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह भदौरिया है। उनकी पत्नी का नाम रानी पक्षालिका सिंह भदौरिया, जो कि भदावर रियासत की रानी और मौजूदा विधायक हैं बहा विधानसभा क्षेत्र से। उनके पुत्र का नाम डॉक्टर त्रिपुदमन सिंह भदौरिया है, जो कि एक बेहतरीन लेखक हैं। राजा महेंद्र अर्दमन सिंह भदौरिया को हथियारों का भी बेहद शौक है। राजा अर्दमन सिंह के नाम पर 12 बोर की एक DBBL गन, एक पिस्टल, एक कार्बाइन और टोटल मिलाकर के 132 घोषित हथियार हैं। अगर हम इतिहास पर नज़र डालते हैं तो बहा सीट को राजा अर्दमन सिंह की पुश्तैनी सीट कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके पिता राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह भी बहा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2012 विधानसभा चुनावों में सपा की ओर से इस सीट पर राजा अर्दमन सिंह ने जीत दर्ज की थी और यह पहला मौका था जब समाजवादी पार्टी ने बहा सीट पर अपना खाता खोला और एक रिकॉर्ड जीत दर्ज की। उन्हें 99,389 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी BSP के उम्मीदवार मधुसूदन शर्मा को 72,908 वोट ही मिल पाए थे। हालांकि 2007 के विधानसभा चुनावों में मधुसूदन शर्मा ने राजा अर्दमन सिंह को 4,623 वोटों से शिकस्त दी थी। दलित बाहुल इलाका होने के बावजूद यह पहला मौका था जब BSP ने यहां पर जीत दर्ज की थी। इससे पहले 2002 में BJP की ओर से राजा अर्दमन सिंह ने सपा के संतोष चौधरी को यहां से हराया था। सन 1996 में BJP की ओर से अर्दमन सिंह ने कांग्रेस के अमरचंद को हराया और 1993 में अर्दमन सिंह जनता दल की ओर से लड़े और कांग्रेस के अमरचंद शर्मा को ही उन्होंने यहाँ से शिकस्त दी थी। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से MCOM अर्दमन सिंह सपा सरकार में परिवहन मंत्री भी रहे थे। इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में 2 बार और 1 बार BJP BSP सरकार के भी मंत्री रह चुके हैं। 1996 में कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री एवं एकीकरण मंत्री, 2001 में राजनाथ सिंह के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्रालय का प्रभार इन्हें मिला और 2002 में BJP BSP गठबंधन की सरकार में मायावती के मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। सीट के चुनावी आंकड़ों से स्पष्ट है कि यहां पार्टी से ज़्यादा व्यक्ति विशेष है। राजा अर्दमन सिंह का दबदबा यहां पर साफ दिखाई देता है और ऐसा माना जाता रहा है कि राजा अर्दमन सिंह किसी भी पार्टी की टिकट पर लड़ें, जीत उन्हीं की होगी और ऐसा उन्होंने साबित करके भी दिखाया है।